और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। बंगाल में अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी का एक भरोसे वाला सिपहसालार उन्हें छोड़कर जा रहा है। इस सिपहसालार का नाम है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने आज विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शुभेंदु जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका। बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी किसी परिचय के मोहताज नहीं। दादा आज के डिजाइन कुछ दादा। लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने बांग्ला पॉलिटिक्स में ऐसी हलचल मचाई है कि पूरा देश उन्हें जान गया है। ऐसा क्यों है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। जब शुभेंदु अधिकारी अपना इस्तीफा देने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे, कायदे से इस्तीफा तो उन्हें विधानसभा स्पीकर को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। रिपोर्टर पूछते रह गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। दादा आज के डिजाइन कुछ दादा। दादा एक तो जो भी बोलें, kindly। दादा एक तो जो भी बोलें, एक तो जो भी बोलें दादा, please। उनकी ये चुप्पी भी ममता बनर्जी और टीएमसी पर बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि 27 नवंबर से पहले तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में सबसे अहम व्यक्ति थे। तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े क्राउड पुलर में उनकी गिनती होती थी। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल में तीन तीन पोर्टफोलियो संभालते थे, लेकिन अचानक 27 नवंबर को उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर आज विधायकी का पद भी छोड़ दिया। दादा एक तो जो भी बोलें, kindly। दादा एक तो जो भी बोलें, एक तो जो भी बोलें दादा, please। कल ही हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली भी की थी। जे शुभेंदु अधिकारी कोनो पदे लोप करें ना, क्यों क्यों बोले छिलें ना, पद देखिए लोग आनछे। আমি 27 নভেম্বর মন্ত্রী ছাড়ার পরেও আমার সভা সমিতিতে লোক আছে, এই লোককে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা পদে আছে তারা আনেনি, এই লোককে বিজেপির যারা পদে আছে তারা আনেনি, এই লোক এই জনগণ এদের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। শুভেন্দু অধিকারী কা ইস্তফা মঞ্জুর নেহি হুয়া হ্যায়, লেকিন अब यह अटकलें लगाई जा रही है कि शुभेंदु अधिकारी बहुत जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और संभावना यह है कि 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह के बंगाल दौरे पर वो बीजेपी से जुड़ सकते हैं। 19 और 20 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले दिन में मिदनापुर में एक सभा को संबोधित करेंगे, एक किसान परिवार के घर पर भोजन भी करेंगे। दूसरे दिन शांति निकेतन में वो कुछ घंटे बिताएंगे। अमित शाह शांति निकेतन में भी एक सभा को संबोधित करेंगे, और उसके अलावा एक दलित परिवार के घर पर भी अमित शाह जाएंगे। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। बीजेपी की बंगाल फतह की पूरी तैयारी है, इसीलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष चाय पर चर्चा कर रहे हैं। दिलीप घोष को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने आज 5 साल हो गए। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया कोलकाता में, बीबी गांगुली स्ट्रीट में आज सुबह केक काटा गया, और यहां भी उन्होंने ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एलिगेशन है कि बेलगाम होकर, बेपरवाह होकर धन अर्जित किया जा रहा है, धन को संग्रहित किया जा रहा है। कानून की दृष्टि उन पर पड़नी चाहिए, तभी पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। पर किसी भी व्यवस्था में यह हो जाना कि आपको कोई टोकेगा नहीं, आपको कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे सामने जो भी बात आएगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बंगाल का यह राजनीतिक युद्ध ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही नहीं चल रहा, बल्कि इसमें अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी खुलेआम चुनौती देकर कह रहे हैं कि ममता का सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है।
तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। असल में ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी ओवैसी की पार्टी के जरिए मुसलमानों का वोट बंटवा देती है और इसके लिए ओवैसी को बीजेपी से मोटी रकम मिलती है। माइनॉरिटीज से वोट भाग করবার জন্য আমার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছি। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। ममता बनर्जी का डर असदुद्दीन ओवैसी की उस परफॉर्मेंस को लेकर है जो उन्होंने बिहार में दी है। बिहार विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी क्योंकि वहां मुसलमानों के वोट अच्छी खासी तादाद में है। इसीलिए ममता बनर्जी ओवैसी से डरी हुई है। दरअसल हर कोई इस चीज की जुगत में लगा है और हर कोई कौन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के विजय दिवस बन जाए एक बार चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।